नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि हमें अपने बालों में तेल कब लगाना चाहिए। दोस्तों, हर चीजों का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नियम होता है, हर चीजें जब हम नियम से करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि हमें अपने बालों में तेल कब लगाना चाहिए। ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हमें स्नान के पहले तेल लगाना चाहिए, क्योंकि स्नान के बाद में तेल लगाना चाहिए, या फिर हमें प्रतिदिन तेल लगाना चाहिए। बालों में तेल लगाने से जो बहुत सारी हमारी बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं। बालों की लंबाई, बालों का जो पोषक तत्व होता है वो तो मिलता ही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि हम अपने बालों में तेल कब कब लगाएं। दोस्तों, ये जो जानकारी है हम इसे आपको पद्म पुराण के अनुसार दे रहे हैं। पद्म पुराण में हमारे विस्तृत जानकारी है कि बालों में तेल लगाना या बहुत सारी ऐसी सांसारिक जो भी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमें विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। दोस्तों, हम आपको पूरा 7 डेज का सारणी बताते हैं, यानी कि 7 दिनों में हम यदि तेल लगाते हैं तो किस दिन का परिणाम हमें क्या मिलता है। उसके बाद लास्ट में आप जानेंगे कि सर्वोत्तम किस दिन होता है हमें बालों में तेल लगाने का। हम रविवार से शुरू करते हैं। रविवार को तेल लगाने से घर में कलह क्लेश होता है, इसलिए हमें रविवार के दिन अपने बालों में, अपने सिर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि रविवार के तेल का स्पर्श करना ना ही आप अपने शरीर में लगाएं और ना ही कभी सिर पर तेल लगाएं, इससे हमारा सूर्य भी बहुत कमजोर होता है। तो इसलिए आप रविवार के दिन कभी तेल ना लगाएं। सोमवार को तेल लगाने से हमारी कांति बढ़ती है और हमारी जो सुंदरता होती है उसमें निखार आता है। तो इसलिए आप सोमवार के दिन तेल लगाना चाहें अपने बालों में तो लगा सकते हैं। मंगलवार का तेल लगाना विधान में नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यदि मंगलवार को जो व्यक्ति तेल लगाता है उसे व्याधि यानी रोग आता है, इसलिए आप हो सके तो मंगलवार के दिन अपने बालों में तेल ना लगाएं। बुधवार के दिन तेल लगाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि आप बुधवार के दिन अपने बालों में तेल लगाते हैं तो ये आपके लिए शुभता प्रदान करता है, सौभाग्य में वृद्धि भी करता है। अब हम बात करेंगे गुरुवार की। दोस्तों, गुरुवार का व्रत उपास जो रहता है उसे पता ही होगा कि गुरुवार के दिन हमें तेल नहीं लगाना चाहिए, ना ही अपने बालों में ना शरीर में। गुरुवार के दिन तेल का इस्तेमाल करने से धन की हानि होती है और गुरु बृहस्पति भी नाराज होते हैं और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। इस वजह से गुरुवार के दिन आप तेल का स्पर्श ना करें तो अति उत्तम होगा। शुक्रवार के दिन तेल लगाने से संकट आता है, यानी कि जब भी शुक्रवार को आप बालों में तेल लगाएंगे तो आपको अनावश्यक संकटों का, यानी कि जो आपके पास कोई अचानक हमारे घर में कोई बात हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, इसकी तो कोई बात ही नहीं थी। तो इस तरीके से अचानक से होने वाले संकट, कलह क्लेश या फिर आप मानसिक परेशानियों से जूझ सकते हैं, इसलिए शुक्रवार के दिन भी आपको अपने बालों में तेल नहीं लगाना। अब हम बात करेंगे शनिवार के दिन। तो दोस्तों, शनिवार का दिन तेल लगाने के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इन 7 दिनों में सबसे अधिक हमें लाभ, सौभाग्य की प्राप्ति, हमारे रोगों का नाश होता है और हमें सुख यानी अनुभूत होती है, सुख की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है यदि हम शनिवार के दिन अपने बालों में तेल लगाते हैं या फिर अपने शरीर पर तेल लगाते हैं तो हमारे लिए ज्यादा शुभ होता है। इस वजह से आप यदि और किसी दिन लगाएं या न लगाएं, शनिवार को तेल अवश्य लगाया करें। तो सुगंधित तेल होता है जिसमें सुगंध रहता है, जैसे कि चमेली का तेल है या फिर जो है बहुत सारे ऐसे सुगंधित ऑयल मार्केट में मिलते रहते हैं, उन तेलों को लगाने में कोई भी दोष नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि सुगंधित तेल का इस्तेमाल करने से ये दोष रहित होते हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। और एक विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों कि जब कभी भी आप किसी भी दिन तेल लगाते हैं, लेकिन जैसे बालों में तेल लगाने के बाद आपके हाथों में ऑयल लगा रहता है, कभी कभी किसी की आदत होती है कि वो तेल लगाने के बाद अपने हाथों में, यानी कि बालों का तेल, सिर का तेल अपने शरीर पे आपको मालिश नहीं करना होता है, ये सबसे बड़ा दोष का कारण बनता है। तो इसलिए आप
कभी भी तेल लगाएं, अगर इन वारों के अनुसार आप लगाते हैं, नियमों के अनुसार लगाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप कभी भी ध्यान रखें कि सिर पे लगा हुआ तेल अपने शरीर में आप कदापि ना लगाएं, इससे बहुत अशुभता होती है, रोग आता है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, तो ये काम आप ना करें। सरसों का तेल सबसे शुद्ध माना जाता है, सरसों का तेल आप लगा सकते हैं, ग्रहण में वर्जित होता है। जब भी ग्रहण लगा होता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ऐसे समय में आपको सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, इस बात का हमेशा आप ध्यान दें। हम जानेंगे कि तिथियों के हिसाब से हमें किन तिथियों को तेल बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्थी और पूर्णिमा, अमावस्या, अगर आप मानते हैं तो इन तिथियों को भी तेल ना लगाएं तो ज्यादा उत्तम होगा। और दोस्तों वैसे भी व्रत उपवास में तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही खाने में और ना ही अपने शरीर पे मालिश करना चाहिए, ना ही आपको बालों में तेल लगाना चाहिए। तो ये थी जानकारी तेल को लेकर कि हम अपने बालों में या अपने शरीर पर किस दिन तेल लगा सकते हैं। पुराणों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति प्रतिदिन तेल लगाता है वो दोष रहित होता है, यानी उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है यदि आप प्रतिदिन तेल लगाते हैं। वैसे भी स्नान के बाद तेल लगाने का विधान नहीं होता है, स्नान के पहले आप तेल लगाएं तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।